नमस्कार, मेरा नाम है विवेक दरिहरे। ये हमारे भाई श्री शंकर राव जी। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लोगों में कोई भी जानवर के प्रति भावना बहुत ज़्यादा अवगत हो रही है कि इस जानवर का सेवा किया जाए, उसको खिलाया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोरोना के टाइम पर भी इंसान का मतलब इंसान को इंसान से प्रेम नहीं रहा था। वैसे ही जैसे डॉग्स में भी जब बीमारी आते हैं, बहुत सारे वायरस है, रेबीज वायरस होते हैं, पार्वो वायरस होते हैं, उस समय भी इंसान जानवर से सामने जाने से भी बहुत कतराते हैं। तो ये रही डॉग्स की बात, लेकिन गाय जो हम लोग स्टार्टिंग से यही मानते चले हैं कि गौ हमारी माता है, हम लोग हमेशा गाय को पूजते हैं, परम पूज्य मानते हैं, उसका दूध बचपन से हम लोग सेवन करते आ रहे हैं। आज जो शरीर में हमारा कोई भी प्रॉब्लम या उसका सॉल्यूशन गाय के दूध से ही है। इवन गाय का गोबर, जो साइंटिस्टों ने भी प्रूव कर दिया कि गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है वातावरण के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी जो नई जनरेशन है उन लोगों का खाली हर बार हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोज एंड पोस्ट देख रहे हैं जिसमें वो सिर्फ आलोचना कर रहे हैं इस चीज़ की कि ये लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरस आया है, ये लंपी स्किन डिजीज से बहुत गायें मर रही हैं और सरकार कोई कदम नहीं उठा रहा है। मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें एक ने एक लाइन था, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, हे कान्हा धरती पे आ जाओ तुम्हारी ज़रूरत है, इस करके एक गाना था। तो उस गाना को जब मैंने सुना तो मुझे ये चीज़ लगा कि कृष्ण को ही हर बार धरती पे क्यों आना पड़ेगा। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान की भी बहुत उम्मीदें जुड़ी थी इंसान से कि इंसान भी कुछ अच्छा करेगा। अभी हम लोग ऊपर वाले पे ही सब कुछ निर्भर कर देते तो इंसान क्या करेगा उस जगह। तो यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया गया हमारे द्वारा कि जितने आवारा पशु हैं, क्योंकि ये लंपी वायरस जो होता है, लंपी वायरस में गाय के बदन पे गांठें बन जाती है। गाय का ये जो नेक पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, बहुत दर्द होता है इसमें। गाय मतलब तड़प तड़प के गाय का मरने का स्थिति पे गाय आ जाती हैं और ये लंप ब्लास्ट कर जाते हैं, जो मतलब बहुत दर्दनाक मौत होती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो एक पूरा समाज को क्लियर करने में और एक पूरा समाज का गाय को वैक्सीनेट करने में या जानवर को बचाने में हो सकता है हम लोग सक्षम ना हो, लेकिन जितने के लिए सक्षम है उतनों को हम बचा सकते हैं। तो ये मुहिम हम लोग चालू किए, तो अभी ये स्टार्टिंग किए हैं। अभी तक हम लोग 50 गाय को अभी तक लगा चुके हैं। उसमें भी बहुत परेशानियां आई कि बड़े बड़े सांड थे, तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या कोई भी है तो एक आदमी सब कुछ नहीं जानता है। हमें इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी काम टीम वर्क से होता है, लोन वुल्फ बन के आप काम नहीं कर सकते हो। जैसा मैं था वहाँ पर, एक बहुत बड़ा हमारा नंदी बैल वहाँ पे थे जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। उस समय हमारे भाई श्री शंकर भैया ने हमको आइडिया दिया कि जो काम प्यार से हो सकता है ना, उस काम में शक्ति लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्यार से हम लोगों ने खिलाया और वैक्सीन लग गया। तो ऐसे ही दोस्तों अभी इस जगह को हम लोग कर रहे हैं और साथ करके इतने बड़े एक कैंपेन को चलाने में, जो आज गगनदीप सिंह जो पाजी भाई 05 व्लॉग्स हैं, वो आज जितना बड़ा सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं अपने काम को छोड़ के, आज हमारे साथ हैं, एक एक चीज़ को वो शूट कर रहे हैं, इवन वो पकड़ने से लेके लगाने से लेके सब कुछ में हम लोग की सहायता पूर्ण रूप से कर रहे हैं और ये पूरा निशुल्क है, या किसी को कोई इसमें ना किसी को मॉनेटरी बेनिफिट है ना कुछ है। और ये हमारे इस वैक्सीनेशन में हमारे बड़े भाई महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस के श्री दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, और उनकी बेटी श्री ज्योति जी वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के इस वैक्सीनेशन ड्राइव को एकदम पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। हमारे डॉक्टर श्री डॉक्टर सतीश राघोड़ते, हमारे भाई श्री टिंकू कुमार ओझा, धनु भैया, हम लोग ये लोग सब एक टीम बन के और भी 4-5 महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस के स्टाफ थे, मिल के कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। अभी लगता है दोपहर के 2 बजने वाले हैं, लेकिन तब भी अभी तक ये कंप्लीट हम लोग नहीं किए हैं और अभी हम लोग करते रहना है। भूख प्यास से सबका हालत ख़राब है, लेकिन ये है कि भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन जानवर को पीड़ा में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, कल से नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। हर इंसान के घर पे साफ सफाई चल रही है, मेरे भी घर पे चल रही है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व हमारे घर पर पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और हम सब पूरे परिवार फास्टिंग करते हैं। तो गाइस, पूरा सामान मेरे घर का इधर से उधर रखा हुआ है, पूरी साफ सफाई चल रही है जोरों की। और एक गाइस, और एक बात है, तो आज हम जाने वाले हैं विवेक भैया के साथ। जितने भी जानवर हैं, जैसे कि रोड में डॉग वगैरह, गाय वगैरह, सांड वगैरह, तो सब का हम फ्री वैक्सीनेशन करने वाले हैं। तो गाइस, लेट हो गया है, तो विवेक भैया अभी कॉल करने ही वाले हैं, तो घर से फटाफट से निकलते हैं,
चलते हैं पहले यार्ड वहाँ से, फिर थोड़ा सा काम है वो करके फिर निकलते हैं विवेक भैया के साथ। आज पूरे जानवरों की सेवा करनी है इस नवरात्रि, ये हमने उठाया है। तो गाइस इस काम में आप हमारा पूरा फुल सहयोग कीजिएगा ताकि हम इस काम को पूरे अच्छे तरीके से कर सकें और हर जानवर का सही तरीके से इलाज हो पाए। तो गाइस मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, तो चलते हैं। मेरे पास आज बाइक नहीं है तो मुझे आज कार लेके जाना होगा, तो चलते हैं फटाफट से। और गाइस ये रही मेरी कार, बहुत गंदी हो गई है। ओ भाई ये क्या हो गया? तो गाइस देख सकते हो यार्ड पहुंच चुका हूं और यार्ड पहुंच के मैंने अपना काम टोटल कंप्लीट कर लिया है। और मुझे अब कॉल आ चुका है विवेक भैया का कि गगन जल्दी से आ जाओ, डॉक्टर सर आ गए हैं। तो कौन डॉक्टर आने वाले हैं गाइस? हमारे सबसे प्रिय डॉक्टर, डॉक्टर सतीश सर। तो गाइस वो भी आज आने वाले हैं और वो भी हेल्प करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। तो फटाफट से चलते हैं, सतीश सर हमारा वेट कर रहे हैं। तो गाइस वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं ना कि कोई भी डॉग मुझे रोड पे अगर कोई बीमारी मिलता है ना तो मैं उनसे पूछता हूँ, अगर मुझे वो नहीं मालूम होता है तो कि सर इसे ये प्रॉब्लम है मैं क्या दवाई दूँ, तो मुझे तुरंत बता देते हैं। और मेरी मैगी और गुन्नू को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तभी वो तुरंत फ़ोन पर बता देते हैं अगर मैं नहीं ले जा पाता हूँ हॉस्पिटल। तो वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं गाइस, आज तक मैं मैगी को और गुन्नू को कभी भी डॉक्टर सतीश के अलावा मैंने कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। तो गाइस फाइनली विवेक भी आ चुके हैं। तो विवेक भैया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शंकर भी है। और शंकर भैया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो गाइस डॉक्टर सतीश सर भी आ चुके हैं, वो आगे निकल चुके हैं तो उनसे वहाँ मुलाकात कर लेंगे। तो विवेक भी आज का क्या प्रोग्राम है? अभी प्रोग्राम में अभी जितने गोविंदपुर में भी जैसे गाय मिलेंगे यहाँ से नींव डाल रहे हैं, खास करके तो आज उमस बहुत ज़्यादा है तो अभी सब सामान यहाँ में जैसे देखिए हम लोग गाय को खिलाने से लेके सब सामान ले लिए, वैक्सीन उस गाड़ी में है और आगे से लोग भी हैं, अभी बढ़ते हैं आगे। गोविंदपुर है ये फर्स्ट, हम लोग आज महालया का दिन है, आज ही से शुरुआत करना है तो आज नींव डाला जाए। गगन पाजी भी समय पे मेरे से पहले पहुंच गए, उसके लिए थोड़ा गुस्सा भी होंगे कि फ़ोन किया हमको, लगा ये लेट करेंगे, मेरे से ज़्यादा लेट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस सतीश सर आ चुके हैं और सतीश सर से बात करते हैं कि क्या मुहिम चलाई जा रही है और वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं। नमस्कार जमशेदवासी, आज हम एक ये लंपी वायरस डिसीज़ जो होता है उसके बारे में हम आजकल आज एक फ्री वैक्सीनेशन कैंप अरेंज किए हैं। लंपी वायरस डिसीज़ एक जैसे कोरोना महामारी जो है उसी का ही एक पार्ट है। कोरोना महामारी में इंसान के ऊपर होता था लेकिन लंपी वायरस डिसीज़ है ये गाय और भैंसों में पाया जाता है। राजस्थान में देखिए लास्ट 15 दिन में नियर अबाउट 10 से 20 हज़ार गाय का डेथ हुआ है। इंडिया में सबसे पहले ये तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाया गया है। लंपी वायरस डिसीज़ में इसमें ये होता है कि जो शरीर के ऊपर गांठ तैयार हो जाती है, टेम्परेचर 104-105 डिग्री टेम्परेचर होता है, सूजन हो जाती है, गले में खराश होती है। दुधारू गाय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनका दूध का प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है गाय या भैंस में, और काफ़ी ज़्यादा इसका मॉर्टेलिटी भी है। इससे बचने के लिए सबसे पहले ये है कि हम अपने गाय में जिस गोठे में रखते हैं वो गोठे को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन करना चाहिए, फिनाइल का, ब्लीचिंग पाउडर का एकदम स्प्रे छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज़ जो है ये डिसीज़ होता है मच्छर की वजह से और मक्खियों की वजह से। मान के चले कि जो कोई गाय को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसको वही मच्छर काट लेता है और वही मच्छर दूसरे गाय को काट लेता है तो वही वो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। इसमें सबसे ज़्यादा ये किया गया है कि दुधारू गाय में सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हुआ है, और इसमें जो गोट पॉक्स वैक्सीन जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद और लाभदायक हुआ है। इवन जो गाय को शीप ये लंबी वायरस हुआ भी है उसको भी हम ये वैक्सीन जैसे देते हैं तो वो गाय भी ठीक हो जाती है, भैंस भी ठीक हो जाती है।
और इंडिया में काफ़ी जगह पे लंपी वायरस का वैक्सीन का टुटौड़ा अभी हुए, कई कई जगह पे लोग वायरस के वैक्सीन के लिए भी वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का भी उतना गवर्नमेंट में भी पास में भी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में भी वैक्सीन अभी बन रहा है और धीरे धीरे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो लंपी वायरस डिसीज़ से वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गाय को लंपी वायरस डिसीज़ हुआ है उसका दूध वगैरह पीना नहीं चाहिए। इसमें प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उसको भी प्रॉब्लम होते हैं, एंड जो जैसे स्किन गाय के स्किन के ऊपर नूडल्स फॉर्मेशंस होते हैं वैसे आदमी को भी होते हैं एंड बच्चों में भी हो जाते हैं। इसमें एक ही वैक्सीनेशन ही इसका एक ही इसका इलाज है। तो जितने भी गोपालक है उन्होंने अपना गाय में जिस गोठे में रखते हैं उस गोठे में एकदम ब्लीचिंग का छिड़काव करना चाहिए, वो गोठे में एकदम मस्कीटोज़ और कीड़ा से एकदम क्लीन रखना चाहिए। एंड जैसे लगते हैं अपने गाय में कोई लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेना चाहिए और अपने गाय का जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए। इसमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक गाय खो गया तो फिर वो दूसरे गाय में ट्रांसफ़र होता है। और आज हम जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो एक ये है ये हमने फ्री ऑफ वैक्सीनेशन किया है एंड आगे भी ये हम करते रहेंगे। और स्ट्रे गाय में इसको हमने पहले किया है और जितने भी ओनर्स के गाय है उन लोगों को भी हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हो ना ये जो पेंट है ये मार्क है, ताकि हमें मालूम चले कि इससे इसको इंजेक्शन कंप्लीट हो गया है। वाह क्या सिस्टम है भाई। तो गाइस देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े नंदी महाराज है, इनको वैक्सीन करने के लिए ना तो हमें केला खिला के पहले शांत करना पड़ रहा है ताकि हम इसको वैक्सीन लगा सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। देखिए बहुत ज़्यादा इनका शरीर हैवी है, ये अगर भड़क गया ना वैक्सीन हमें लगवाना पड़ जाएगा अपने ऊपर। प्यार करिए, खाली यहाँ पे गौ माता या उससे नहीं होता है, हर चीज में हर पशु में जान है और सब एक समान है। विवेक भी आइए, इसको दीजिए। हाँ दीजिए 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 जल्दी से। जैसा कि गगन जी के साथ में है गोविंदपुर में, अभी तक हम लोग 100 गाय का हम लोग टारगेट लेकर चले थे, अभी 30 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, 30 गाय के आसपास कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप क्या 7 से 8 बड़े सांड थे। तो सांड में बल का प्रयोग तो कर नहीं पाए, आप लोग भी देख सकेंगे वीडियो जब ये पोस्ट करेंगे, उसमें बल का प्रयोग एकदम से नहीं हुआ। उसमें हम लोग को वही बोलते नहीं है, दुनिया में सबसे आसान भाषा है जो जानवर से लेकर इंसान तक भली भांति समझता है, वो है प्यार का।
वही प्यार का भाषा से हमारे शंकर भैया ने पहले ही बोला कि हम खिलाते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साहब को हम लोगों ने बोला, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया क्योंकि उस समय मैं दूसरे गाय को इंजेक्शन लगा रहा था। देखिए आगे आगे हमारा एक्सयूवी भी चल रहा है, कोशिश तो यही है। लेकिन एक जो हैरानी और परेशानी वाली बात है जिस चीज़ को देख रहे हैं बार बार कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग प्राइवेट अपने जितने हैं मिल के जुल के हम लोग ये कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव जानवरों के बचाव के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों से अभी ऐसा जन से मिलना जुलना हुआ जहाँ पे मैं था और गगन पाजी ही था क्योंकि हम लोग दो टीम में बंट चुके थे, तो वहाँ पे एक मिलने चला आदमी, लोग हम लोग को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमारे गाय को आप लगाओ, हमारे गाय को लगाओ। अब जब बोलने पे कि अगर आपके गाय को लगाएंगे, लेकिन एक ही है कि चार पांच आवारा पशु भी वहाँ पे होने चाहिए, तो उन लोगों का बोलना है कि नहीं आवारा पशु का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, फ्री का लाभ सब उठाएंगे लेकिन सहयोग कोई नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस अब विवेक भैया से बात करते हैं। जहाँ तक रहा वैक्सीनेशन ड्राइव का बात, ये वैक्सीनेशन ड्राइव सतीश सर सबसे बड़े मेन पिलर हैं जो स्तंभ है हमारे जमशेदपुर में सब वेटनरी का लेके, आज सर साथ में थे बोल के आज बहुत हद तक हम लोग पॉसिबल कर पाए हैं। लेकिन जो मेन जिनका सबसे बड़ा हेल्प है हमारे बड़े भैया श्री दिग्विजय सिंह जी और उनकी सुपुत्री श्री ज्योति शिकरवाल जी, आज इनके ही द्वारा हम लोग इसको सफल बना पाए हैं। क्योंकि जैसे एक हम लोग पशु प्रेमी हैं, उभर कर आने वाले हमसे ज़्यादा पशु प्रेमी आज ये ज्योति जी हैं। ज्योति जी भी बात करेंगे आपसे। आई डू अपील दैट एवरीबडी शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर दिस, इट्स नॉट जस्ट अस, हम लोग सब इसमें एक साथ है। अगर हम आज सफ़र कर रहे हैं तो आज हमें इनके लिए भी खड़ी रहना चाहिए। एंड हम लोग अगर अपनी तरफ से इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, आई अपील पीपल दैट प्लीज़ आप लोग, इट विल जस्ट कॉस्ट अ लिटल एंड आप अपनी तरफ से भी आप इनके लिए कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल टास्क है बट अगर आई डू फील कि अगर यूनिटी है तो हम एक साथ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस अब हम गोविंदपुर से निकल रहे हैं और घोड़ा बांधा की ओर जा रहे हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे जाके डिसाइड करते हैं कि आगे कौन से एरिया में जाना है। तो गाइस देख सकते हो इस गैया के पैर में ना चोट है, पैर उठा के रखा हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे और भी जितने जीव हैं उनको हेल्प हो सके और उनको हम दवाई वगैरह टाइमली दे पाएँ, बहुत ही अच्छा होगा गाइस। बस अपना इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, हम लोग देने के लिए आए हैं इंजेक्शन इनको, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है, कोई गाय भाग रही है, उन्हें पकड़ने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमें देख के गाय डर भी रही है और हमें भी डर लग रहा है कहीं हमें भी ना मार दे। तो गाइस कोशिश तो जारी है कि अभी तक हम लोगों ने कम से कम 50-60 यानी कि गाय और नंदी महाराज को दे चुके हैं इंजेक्शन और भी आगे कोशिश हमारी जारी है। तो गाइस अभी हम हैं खड़ंगा झाड़ एरिया में और यहाँ भी वैक्सीनेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सांड वगैरह है वो हमें मारने की कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं और लगा रहे हैं। बहुत भीषण बारिश के बावजूद भी ड्राइव तो बंद हुआ नहीं है, टेलको एरिया ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, अब थोड़ा तो रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि सुबह से कुछ ना अन्न का दाना नसीब हुआ है ना कुछ,
तो फिलहाल थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर आम बागान की ओर बढ़ा जाएगा, क्योंकि टेलको एरिया आज कवर हो गया है, तो उसके बाद वाला एरिया सबको अभी हम लोग कल के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि इस एरिया को एक बार में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर अभी आम बागान जाते हैं उसके। तो गाइस आज हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मॉर्निंग से हमने ना ब्रेकफास्ट किया है, ना लंच किया है, कुछ नहीं किया है। उसी हालत में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं और अभी जाने वाले हैं साक्षी सर्वे करने के लिए, ताकि कल हम उस पर काम चालू करेंगे। तो गाइस होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्योर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े मतलब एक जो इनिशिएटिव लिए थे, एक्चुअली आई नो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड एवरीथिंग, बट ये स्टार्टिंग जर्नी में भी हो के आज इनका 750 सब्सक्राइबर हो चुका है, पर ये सुबह से भूखे पेट मेरे साथ में पूरा कवर अप में रहे हैं, और ये भी ना खाना खाए कुछ, अभी जस्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खाए हैं जो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है, बट काम अभी तक बंद नहीं हुआ है, काम करते रहना है। और बाकी गगन पाजी हैं, इनको फुल सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके करिए, बेल आइकन को आप गाय का सिंह जैसे मानिए लेकिन इनका बेल आइकन को आप क्लिक करिए जितना हो सके। जैसा कि आप लोग शुरुआत से देख रहे हैं, हम लोगों ने गोविंदपुर से अपने इस लंपटी वायरस स्किन डिजीज़ का हम लोगों ने नींव डाला। हम लोगों ने गोविंदपुर से लेते हुए घोड़ा बांधा टेलको कवर करके 62 गायों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया। तो इस मुहिम में कुणाल भैया जो हमारे आदरणीय सांसद श्री विद्युत महतो जी के सुपुत्र हैं, वो जब मैंने इस आइडिया को उनको बताया, उनके सामने प्रकट किया, तो वो सामने खुल के आए। क्योंकि होता ये है कि आप कोई भी इनिशिएटिव ले लो, लेकिन बहुत सारे चीज़ हैं इस इनिशिएटिव में जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि फंड्स, मैन पावर और बहुत बड़े बहुत कुछ ऐसे चीज़ हैं। तो सामने कुणाल भैया इस समय आके, क्योंकि हम लोगों ने इससे ये क्षेत्र से आगे का हम लोग सोच नहीं पाए थे, तो कुणाल भैया के आने के बाद हम लोगों ने कदमा, सोनारी, साक्षी, बिष्टुपुर इस एरिया को कवर करने का हम लोगों ने शुरुआत किया है। आज हम लोग रमाडा होटल के बाहर में हैं, इसके आसपास के गाय को, क्योंकि आज हम लोग बहुत एक्चुअली थक चुके हैं, इसके आसपास के सभी गायों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। और अभी कुणाल भैया मेरे साथ में खड़े हैं। कुणाल भैया, आप जो भी आपको विलंबी वायरस के बारे में मालूम है, इसके बारे जो भी आपका भाव है कृपया आप भी प्रकट करेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं लंपी वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लगभग 80,000 गायों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, और ये खतरनाक बीमारी अभी जमशेदपुर हमारे प्यारे से शहर में सुंदरनगर जैसे में पहला इसका वायरस का केस मिला है, और जमशेदपुर जैसे प्यारे शहर हमारे प्यारे शहर में अभी दस्तक दे चुकी है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हो जाएं और हमारा साथ दें, इसको महामारी के रूप में ना पहुँच ना पाए, इसलिए अभी से ही हमने शुरुआत कर दी है, अभी इनिशियल स्टेजेस है हमारे, और हम और इसको और अच्छे बड़े तरीके से अपने इस ऊँचे स्तर पे करना चाहते हैं, और बस आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम इसी तरह आप लोग हमारी गाय माता की मदद करते रहेंगे। और बस इसी के साथ मैं अपने छोटे भाई विवेक गरियरे, टिंकू ओझा, अंजन, गगनदीप सिंह, शंकर, डॉक्टर सतीश राघव, और सुपरविजन में डॉक्टर सतीश और डॉक्टर ज्योतिंदर नारायण हैं, उनके साथ मिल के ये कार्य कर रहा हूँ, तो उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस वैक्सीनेशन ड्राइव में जुड़े और जितना सहयोग हो सके करें, धन्यवाद। जैसे कि जब मैंने कुणाल भैया को इस ये चीज़ ये वाक्या मैं बस भूल चुका हूँ बताने के लिए, तो मुझे जस्ट याद आया, तो मैं बस रिज्यूम कर रहा हूँ इस वीडियो को, कि जब मैंने कुणाल भैया को इस बारे बताया था कि एक लंपी स्किन डिजीज़ करके आ रहा है, तो मैंने इनको जस्ट नॉर्मली बोला, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, कि भैया मतलब ये तो देखिए राजस्थान में है, जमशेदपुर में इसका प्रकोप क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, बट नॉर्मल होगा मे बी, मेरे को भी जैसा लगता है। तो भैया जी ने जैसा मेरे को बताया, जो मतलब एक मोटिवेशन आता है कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए, सबसे पहले आपके लाइफ में एक मोटिवेशन आता है, तो कुणाल भैया ने मुझे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया
उन्होंने कहा कि विवेक, ये जब कोरोना वायरस आया था तो ये चाइना के एक किसी भी एक छोटे से शहर से आया था, लेकिन जमशेदपुर के गली गली हर चौराहे में इससे लोग परेशान थे। तो ये बात इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने पूछा इस लंपी वायरस के लिए फिर आप क्या बोलेंगे, तो बोले ये राजस्थान में है और यहाँ जब आप मरते हुए देखोगे तब आप कुछ करोगे, उससे बढ़िया है कि अभी हम कुछ करें। इस तरीके का प्रेरणा ही मिलने के बाद मैंने मतलब सोचा कि आगे इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो मतलब एक बहुत बड़े मतलब एक भाई हैं मेरे, मतलब मेरे को रास्ता दिखाने से लेकर शुरुआत से मेरे साथ हमेशा रहे हैं और प्रेरणा मार्ग हैं भैया, जो मतलब आज अंकल भी हैं, अंकल का भी बहुत सपोर्ट हम लोग का हमेशा से रहा है और भैया के अभी इस टाइप में जानवर को लेकर हमेशा भैया हमारे साथ तत्पर रहे हैं इस चीज़ को सपोर्ट में लेकर। और भैया ने हमें सही मार्ग दिखाया और भैया ने बताया, तो मतलब उनके ही इस बात को लेकर मैं मतलब इस बारे में मैं सोचा। उसके बाद में मैंने कहा कि नहीं भैया का बात सही है। उसके बाद मैं इस इनिशिएटिव को आज मैं सक्सेसफुली मतलब मैं 62 गाय से स्टार्ट किया हूँ। भैया का ही बोलना था कि 25 तारीख को माँ के महल्या के दिन शुरू करो और भैया ने वैक्सीन से लेके जहाँ तक हमारा जितना रुकावट था सबको भैया बचा के हमने आज वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किए हैं। भैया मॉर्निंग में नहीं आ पाए, कुछ पर्सनल कारण था भैया का नहीं आ पाए क्योंकि इनको और भी जगह भैया को जाना रहता है, लेकिन भैया जिस समय भी आए वो समय भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रिय समय है। धन्यवाद।